गुड मॉर्निंग क्लास, दिस आर न्यू एना फिजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नेक ऑफ द पेनक्रियास. रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास दैट इज नेक ऑफ द पेनक्रियास, क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में पेनक्रियास शुरू कर लिया था. पेनक्रियास की जब अपन ने स्टडी करी तो हमने देखा कि पेनक्रियास को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल में. हेड हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो अब आज वाली क्लास में हम उसका रिमेनिंग पोर्शन पढ़ लेते हैं. तो रिमेनिंग पोर्शन के अंदर सबसे पहला पोर्शन आता है नेक. तो देखिए, नेक ये स्लाइटली कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट है पेनक्रियास का, जो हेड और बॉडी के बीच में पाया जाता है. ये डायरेक्ट होता है फॉरवर्ड, अपवर्ड और लेफ्ट साइड में. इसकी दो सरफेसेस होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो हेड बॉडी के बीच में पाए जाने वाला थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट है. डायरेक्टली फॉरवर्ड, अपवर्ड और लेफ्ट साइड में ये डायरेक्ट होता है. दो सरफेस होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर. अब इतना सा नेक था. अब अगला पोर्शन बॉडी. ये काफ़ी इलॉन्गेटेड पार्ट है पेनक्रियास का. नेक से लेकर टेल तक ये फैला हुआ रहता है. पासेस टूवर्ड्स द लेफ्ट विद अ स्लाइट अपवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लाइनेशन. ये लेफ्ट की तरफ पास होता हुआ थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ इंक्लाइंड होता है. तीन इसके बॉर्डर और तीन इसकी सरफेसेस होती हैं. तीन बॉर्डर और तीन सरफेसेस. अब तीन बॉर्डर्स कौन कौन से हैं भाई इसके? तो एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तीन बॉर्डर होते हैं. सबसे पहला एंटीरियर बॉर्डर जो है इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ट्रांसवर्स मीजोकोलन रूट से. मतलब पेनक्रियास की बॉडी अपने एंटीरियर बॉर्डर से ट्रांसवर्स मीजोकोलन की रूट से अटैच होती है. इसका सुपीरियर बॉर्डर सिलिक ट्रंक से रिलेटेड होता है ट्यूबर ओमेंटल के ऊपर. इसका सुपीरियर बॉर्डर ट्यूबर ओमेंटल के ऊपर सेलिएक ट्रंक से रिलेटेड होता है. हिपैटिक आर्टरी इसके राइट और स्प्लेनिक आर्टरी इसके लेफ्ट में रहती है. इन्फीरियर बॉर्डर इसका राइट एंड पर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से रिलेटेड होता है. तो तीन बॉर्डर से, अलग अलग पार्ट से, ट्रांसवर्स मीजोकोलन से, ट्यूबर ओमेंटल से और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से ये जुड़ा हुआ रहता है. फिर हमने इसकी हाँ ठीक है, तीन बॉर्डर्स पढ़े थे तो अब हमारे को इसकी तीन सरफेसेस पढ़नी है. और तीन सरफेसेस में एंटीरियर सरफेस आती है सबसे पहली. ये सरफेस कॉनकेव शेप की होती है और डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आगे की तरफ और अपवर्ड ये डायरेक्टेड रहती है. पेरिटोनियम की कवरिंग इसके ऊपर पाई जाती है और ये स्टमक से और लेसर सैक से रिलेटेड रहती है. एंटीरियर सरफेस इसकी लेसर सैक से और स्टमक से रिलेटेड होती है. पेरिटोनियम से कवर्ड होती है. फॉरवर्ड अपवर्ड ये डायरेक्टेड होती है. कॉनकेव शेप की ये होती है. जबकि इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर पेरिटोनियम नहीं पाया जाता है. और ये तीन चार चीज़ों से रिलेटेड होती है. जैसे पहली ये जुड़ी होती है एओर्टा से, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ओरिजिन से के साथ में ये एओर्टा से जुड़ी होती है. डायफ्राम के लेफ्ट क्रस्ट से जुड़ी होती है. लेफ्ट सुप्रा रीनल से रिलेटेड होती है. ये तीन पार्ट्स रिलेटेड होती है. और लेफ्ट किडनी, सुप्रा रीनल ग्लैंड. कौन सी? लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, जो कि लेफ्ट किडनी पर सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है, वहाँ से जुड़ी हुई है. डायफ्राम के लेफ्ट क्रस्ट से जुड़ी हुई है. और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ओरिजिन के साथ में एओर्टा से ये जुड़ी हुई होती है. तो अभी तक जो हमने बातें बोली वो इस डायग्राम में देखिए. स्टमक, ये लेफ्ट एड्रिनल दिखाया गया है. पास में स्प्लीन है, यहाँ लेफ्ट किडनी है. ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन से देखिए कैसे जुड़ी हुई है. ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आपको वेसल्स, आर्टरी, वेन्स दिखाई दे रही हैं. राइट किडनी, ड्यूडेनम बताया गया है. राइट एड्रिनल बताया गया है. लीवर, ये आईवीसी और ये एओर्टा. तो ये इसका कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, तो जो लैंग्वेज अभी अभी अपन ने पढ़ी ना, उस लैंग्वेज को इस डायग्राम के साथ में पढ़िए और समझने की कोशिश करिए. इसकी पिक्चर को समझने की कोशिश करिए. बहुत अच्छा ये पिक्चर जो है इसके अंदर दिखाई गई है, जो
आपको बहुत अच्छे से समझाएगी कि हम क्या बात बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। तो इसके साथ में रिलेट करके, को रिलेट करके आप इसको पढ़िए। अब पैनक्रियास की बॉडी की इन्फीरियर सरफेस भाई, इस डायग्राम में तो आपको एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस दिखाई गई है कि एंटीरियर सरफेस पे ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस पे कैसे जुड़ा हुआ है। अब इसकी इन्फीरियर सरफेस देखिए, इन्फीरियर सरफेस जो है पैरिटोनियम से कवर रहती है, तो सुपीरियर रहती है और इन्फीरियर रहती है, पर पोस्टीरियर सरफेस सुपीरियर नहीं सॉरी एंटीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस की पैरिटोनियम से कवर्ड रहती है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस पैरिटोनियम से कवर्ड नहीं रहती। यह ड्यूडेनो जेजुइनल फ्लेक्सर से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, जेजेनम के कॉइल से भी रिलेटेड रहती है और लेफ्ट पॉलिक फ्लेक्सर से भी ये रिलेटेड रहती है। तो इन्फीरियर सरफेस में पेरिटोनियम की कवरिंग पाई जाती है, ड्यूडेनल जेजुइनल फ्लेक्सर, कॉइल्स ऑफ जेजेनम लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से ही जुड़ी हुई रहती है। तो ये डायग्राम देखिए, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास, ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम और जेजेनम से जुड़ी हुई थी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, तो ये इसमें बताया गया है। अब लास्ट इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द टेल ऑफ द पेनक्रियास। ये एक नैरो लेफ्ट एंड पर, पेनक्रियास के नैरो लेफ्ट एंड पर पाए जाने वाली, या लेफ्ट एंड पर पाए जाने वाली एक नैरो स्ट्रक्चर है जो कि लीनो रीनल लिगामेंट में पाई जाती है स्प्लीनिक वेसल के साथ में। लीनो रीनल लिगामेंट में स्प्लीनिक वेसल्स के साथ में पाई जाती है। ये गैस स्प्लीन के गैस्ट्रिक सरफेस के लोअर पार्ट के कांटेक्ट में रहती है। तो देखो ये स्प्लीन के साथ में दिखाया गया है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, स्प्लीन की गैस्ट्रिक सरफेस के लोअर पार्ट के साथ कांटेक्ट में ये रहती है। ये स्प्लेनिक लिम्फ नोड, ये इन्फीरियर बॉडी दिखाई गई है, सुपीरियर बॉडी देखिए, ये स्प्लीन के साथ में कनेक्टेड है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, ये सारे लिम्फ नोड्स दिखाए गए हैं भाई इस डायग्राम में, लिम्फ नोड्स पढ़ लीजिए पैनक्रियास के। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, सिलिक लिम्फ नोड, हिपैटिक लिम्फ नोड, पाइलोरिक लिम्फ नोड, एंटीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडिनल लिम्फ नोड, ये सारे लिम्फ नोड हैं। अब ये स्ट्रक्चर वही लेफ्ट, ये हेड, नेक, बॉडी, टेल, इसमें साफ बताए गए हैं गॉल ब्लैडर के साथ में, ड्यूडेनम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला जिसको आप एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं, ये जेजेनम का पार्ट, ये एसेसरी डक्ट जिसको आप डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, और ये पेनक्रियाज की टेल बताई गई है पीछे। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पेनक्रियाज का। अब पेनक्रियाज में डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, तो भाई हमने कहा कि पेनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ ग्लैंड की तरह ये एक्ट करती है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है अपने दो डक्ट के अंदर ड्रेन करता है अपने प्रोडक्ट को, पहली मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और दूसरी एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को आप डक्ट ऑफ वर्सांग कहते हैं, जबकि एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट को आप डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, जो अभी अभी इस डायग्राम में दिखाई दिया था, ये ऊपर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जिसको एसेसरी डक्ट कहा जाता है, स्टेथोस्कोप की तरह दिखाई दे रही है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको आप डक्ट ऑफ वर्सांग कहते हैं, ये पैनक्रियास के पोस्टियर सरफेस के पास में होती है, इसको आप वाइट कलर से इजीली पहचान सकते हो, वाइट कलर की होती है ये। हेड पेनक्रियास के हेड के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो बाइल डक्ट के साथ में जुड़ी होती है, राइट साइड में पाई जाती है। इसकी दो डक्ट जो है वो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के वॉल में एंटर होती है और ज्वाइन होकर के हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर बनाती है। ये दो डक्ट्स ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट की वॉल में एंटर होते हैं और ज्वाइन होकर के हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर बनाते हैं। एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको आप डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कह रहे हैं, ये हेड के लोअर पार्ट से शुरू होती है, मेन डक्ट के फ्रंट में क्रॉस होती है, कम्युनिकेट करती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है माइनर ड्यूडेनल पैपिला पर, माइनर ड्यूडेनल पैपिला पर ड्यूडेनम में ये एंटर होती है, ओपन होती है मतलब। तो ये पेनक्रियास की पूरी बॉडी और उसके डक्ट्स के बारे में हमने अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ा। तो हमारे एनाटॉमी की लगभग एनाटॉमिकल जो पार्ट था पेनक्रियास का, कि एनाटॉमी जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसके साथ में ही।
फंक्शन हम लोगों ने इसका एंडोक्राइनल फंक्शन, भाई एक्सोक्राइनल फंक्शन तो अपन ने जीआई के अंदर पढ़ लिया और एंडोक्राइनल फंक्शन हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इसका पढ़ लिया है पैनक्रियाज का। तो लगभग आपकी पैनक्रियाज भी जो ऑलमोस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। कोई आपके पास डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के।